तो है गाइस, मैं हूं आपको उस फैजान और आप देख रहे हैं ओटू लाइफस्टाइल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन फेमस और मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस जतिन सराना की पर्सनल लाइफ के ऊपर और जानेंगे इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आप इनके फैंस हैं तो इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप करें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। और अगर आप चाहते हैं किसी भी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ स्टोरी बनाई जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं फुल कोशिश करूंगा उस पर रिप्लाई भी करूं और उस पर वीडियो भी बनाऊं। तो टाइम से आएगी बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जतिन सराना की पर्सनल इन्फो के बारे में। तो हम सब के फेवरेट एक्ट्रेस जतिन का जन्म 2 नवंबर 1984 को इंडिया के मशहूर शहर न्यू दिल्ली में पैदा हुई है। अगर बात की जाए इनकी एज की तो जतिन की एज 2020 में 36 साल हो गई है। जब जतिन लगभग 5 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स ने इनका एडमिशन भारत नेशनल पब्लिक स्कूल में करा दिया है। इनको बचपन से ही पढ़ने का बेहद शौक था और साथ साथ एक्टिंग का भी। इनका कहना है कि ये बचपन से ही फेमस होना चाहते थे। इसी शो की वजह से आज इनके पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों फैंस हैं। अगर बात की जाए इनकी फ़ैन फॉलोइंग की तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। जब जतिन लगभग 15 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स ने इनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में करा दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने बीकॉम करने के बाद अपनी स्टडी को बाय बाय बोल दिया और अपना करियर स्टार्ट कर दिया। इसे फौरन फारिग होने के बाद जतिन सराना ने अपना करियर स्टार्ट कर दिया। इन्होंने रात दिन मेहनत करके और बहुत लगन के साथ अपना करियर स्टार्ट किया था। काफ़ी मेहनत के बाद इनकी पहली फिल्म रिलीज कर दी गई जिसका नाम गांधी 2 हिटलर था। इसकी शूटिंग लगभग 6 महीने के अंदर अंदर कम्प्लीट की गई थी। जिस तरह यह तेज़ी से मूवी बनाई गई उसी रफ्तार से ये लोगों के दिलों पर उतर गई। ये मूवी लोगों को बेहद पसंद आई। मैं आपको बताता चलूँ, ये मूवी 2011 में सिनेमा घरों की जीनत बनी थी। इस मूवी के सॉन्ग आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इस फिल्म के फेमस होने के बाद इनको बेहद पसंद किया जाने लगा और इनको सॉन्ग्स और मूवीज़ की ऑफर भी साथ साथ आने लगी। इस दिन के बाद इनकी किस्मत चमक उठी। जी दोस्तों, मिसाल आपके सामने है। अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत, लगन और सब्र के साथ काम करें। कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। जैसा कि इन्होंने मेहनत, लगन और सब्र के साथ काम किया, आज इनकी पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों फैंस हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इनके इनकम के बारे में। पर्सनल लाइफ के बाद अब हम देखते हैं फैमिली जोन में इनकी कुछ पर्सनल इमेजेस। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारी बहुत हौसला अफजाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इनको इंडिया और पाकिस्तान में बेहद पसंद किया जाता है। ये जो भी मूवी या कोई भी ड्रामा रिलीज़ करें वो देखते देखते ट्रेंडिंग में चला जाता है। पॉपुलैरिटी के साथ साथ ये लाखों रुपए भी कमा रही हैं। इनका एक इंटरव्यू में कहना है कि ये पर शूटिंग 1 से 2 लाख लेती हैं और ये दिन में 3 से 4 शूटिंग करती हैं। अगर हम बात करें इनके बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो काम के साथ साथ ये अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखती हैं। इनका वेट सिर्फ और सिर्फ 55 kg। अगर बात की जाए इनकी हाइट की तो इनकी हाइट 5.3 फीट है। इसी वजह से ये देखने में बहुत खूबसूरत दिखती हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं इनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले फेवरेट फूड इनका चिकन और बिरयानी है। अगर बात की जाए इनकी एक्टर की तो बॉलीवुड में इन्हें दिलीप कुमार और शाहरुख खान पसंद है। अगर बात की जाए हॉलीवुड की तो माइकल जैक्सन इन्हें बेहद पसंद है। फेवरेट एक्ट्रेस मुमताज़, सैरा बानो की एक्टिंग ये बेहद पसंद करती हैं। टीवी शोज़ की अगर बात की जाए तो टीवी शोज़ में कपिल शर्मा शो बेहद पसंद है। फेवरेट कलर की अगर बात की जाए तो फेवरेट कलर रेड, वाइट और ब्लैक है। ये कपड़े भी ज़्यादातर इन्हीं कलर के पहनती हैं। परफ्यूम इन्हें अरमानी के पसंद हैं। अगर बात की जाए कार्स की तो इन्हें कार्स में BMW बेहद पसंद है। फेवरेट गेम की बात की जाए तो फुटबॉल इन्हें बेहद पसंद है। इनका कहना है कि फिटनेस के लिए बेस्ट गेम फुटबॉल ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं किसी भी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ स्टोरी बनाई जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं फुल कोशिश करूँगा उस पर रिप्लाई भी करूँ और उस पर वीडियो भी बनाऊँ। तो लास्ट में आपको काम की बात बताते चलूँ, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने छोटों से प्यार करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।